वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि इसी तरह की जो प्रैक्टिकल वीडियोस मैं रोज डाल रहा हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। बेल आइकन प्रेस करके रखो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका जो इंटरव्यू है, कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ डाउट्स वगैरह हैं, वो मुझसे आके DM करके आप पर्सनली क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको वीडियो में दिख रहा है कि ये नई चीज़ क्या हो गई। देखिए, बहुत बहुत कम लोग के साइट्स पे क्रेन बैठता है, तो आज बात करेंगे क्रेन के ऊपर, 100% पूरी बात करेंगे क्रेन के ऊपर। मतलब फाउंडेशन से लेके क्रेन का क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है और कैसे कैसे क्रेन बैठता है। आपके सामने जो वेल्डिंग का काम चल रहा है, ये क्रेन का फाउंडेशन का काम कर रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। स्टार्ट कर दे वीडियो को। जब भी आपको क्रेन बिठाना है, मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, याद रखिए एकदम ध्यान से पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझेगा। आप कहीं भी क्रेन का काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्रेन का काम अगर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका प्लान रहेगा, जो बिल्डिंग का प्लान रहेगा, वो प्लान के ऊपर आपको एक सर्कल मारना है कि मतलब आपका पूरा बिल्डिंग जो कहे वो कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, वो बिल्डिंग, वो सर्कल कितना, जहाँ आपको क्रेन बैठे, जैसे दो टाइप का क्रेन बैठता है, याद रखिए, एक तो बिल्डिंग के अंदर बैठता है, एक बिल्डिंग के आउटर में बैठता है। उसका भी पोजीशन प्रॉपरली डिसाइड कीजिए ताकि आपका जो बूम है वो पूरे बिल्डिंग के पेरीफेरी एरिया में पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं एक किनारे लगा दिया और ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग है तो ए विंग में पहुंच ही नहीं रहा है, डी विंग में पहुंच ही नहीं रहा है, ओके, सिर्फ बी और सी में पहुंच रहा है तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आप क्या कीजिए, ऑटोकैड के अंदर अभी जहां आपको बैठाना है वहां पे एक पॉइंट रखिए, वो पॉइंट से सर्कल मारिए, फिर उसका रेडियस मापिए कि सब जगह कितने मीटर का बूम पहुंच रहा है, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, और आजू बाजू के झाड़ चेक कर लीजिए, जो ट्रीज हैं लंबे लंबे, या बिल्डिंग कहीं लड़ रही है, आजू बाजू बिल्डिंग्स हैं, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए उसका पोजीशन डिसाइड कीजिए। सबसे पहली चीज़ होती है पोजीशन डिसाइड करना। आउटर में मेरा यह सजेशन रहेगा कि ऑलवेज क्रेन जो है वो इनर में लगाइए, सेफ रहता है। आउटर में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है और सेफ नहीं रहता। मेरा सजेशन ये है कि आप इनर में लगाइए, ठीक है। तो पूरी बात कर रहा हूँ इसीलिए समझ के रखिए, पूरा वीडियो देखिए। ये तो हो गया डिसाइड का, उसके बाद आ जाता है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, जब भी आप फाउंडेशन करेंगे तो क्रेन का फाउंडेशन होता है, आउटर में भी फाउंडेशन होता है, इनर में भी फाउंडेशन होता है। ओके, याद रखिए, फुटिंग में ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि आप फुटिंग में लेग्स मत डालिए। अगर आपको लेग्स रीयूज़ करना है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साइड से, बिल्डर के साइड से आपको लेग्स रीयूज़ करना है तो फुटिंग में मत डालिए, अदरवाइज उसको काट के आपको निकालना पड़ेगा या आप उसको प्लम कॉन्क्रीट कर दीजिए। बट अगर आप एक वापस से दूसरा फाउंडेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे सामने आपके चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, काम होने के बाद लेग्स, जब क्रेन हाइट हो जाता है, जंपिंग हो जाता है, जंपिंग ऑफ द क्रेन हो जाता है, तो आप उसको ब्रेकिंग करके फुटिंग को अपना लेग्स निकाल सकते हैं। क्योंकि लेग्स जो होता है, चार लेग्स जो आपके सामने दिख रहा है येलो कलर का, वो लेग्स आपका 1,25,000 रुपये प्लस GST का है, ये समझ के चलिए। अभी समझ लीजिए, आपको लेग्स ऑर्डर करना है तो लेग्स का साइज़ क्या रहेगा, जो नीचे का बेस प्लेट है वो 350x350 का नॉमिनल रहता है। मैं अप्रॉक्स सारी चीज़ बताता हूँ चैनल पे, याद रखिए, 350x350 का बेस प्लेट है और जो हाइट है वो 900 का है, और जो उसका होल है जिसके अंदर पिन मारा हुआ है वो है 40mm का, और मास्ट पिन उसके अंदर लगता है 40mm का, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आपको लेग्स ऑर्डर कर दिया आपने, चार लेग आपको लगे, लेग्स आपने ऑर्डर कर दिया, और ऊपर का जो फ्रेम दिख रहा है आपको वो फ्रेम आपने ऑर्डर कर दिया कि मुझे 1200x1200 का फ्रेम चाहिए, क्योंकि आपका जो क्रेन रहता है वो 1200x1200 का मास रहता है। ओके, तो ये बात हो गई आपका फ्रेम का और लेग्स का। उसके बाद आपको जहां भी क्रेन बैठाना है वो कंसल्टेंट से आप डिसाइड करा लीजिए कि मुझे फाउंडेशन का स्टील डिटेल दे दीजिए, कंक्रीट ग्रेड दे दीजिए कि कौन से डाया का मैं स्टील का फाउंडेशन बनाऊं, और हाइट क्या बनाऊं फुटिंग की जो आप फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि 900 का आपका लेग्स है। ओके, तो आपका जो हाइट होगा वो 1400-1500 का रहेगा। ओके, तो आपको अगर नहीं पता है, नहीं कंसल्ट डिजाइन करके दे रहा है, तो आप हायर डाया स्टील यूज कीजिए जो आपके पास है, 32-40mm, 25mm, से कम 25, उसके नीचे आपको यूजिंग नहीं करना, 100 के स्पेसिंग पे डाल दीजिए। ओके, और जो आपका फुटिंग लिफ्ट में डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिफ्ट है, तो आप 100mm के स्पेसिंग में चलिए बॉटम का बांध के। उसके बाद जो आपका लेग्स है, लेग्स के जो ऊपर देखिए आपको पिन दिख रहा है, उसके ऊपर फ्रेम बैठा हुआ है, वो पिन के नीचे तक ही भराई करना है। जैसे पिन, जो मास्ट पिन है, वो मास्ट पिन लगेगा कैसे अगर उसके ऊपर भराई कर देंगे आप, तो लेवल मार्क कर लेना है प्रॉपरली कास्टिंग के टाइम। फुटिंग आपको बांध देना है, फुटिंग बांधने के बाद लेग्स बिठाना है। लेग्स कैसे बिठेगा, जो लेग्स जब हाइट करेंगे आप, फुटिंग का डेप्थ 1400 है, बट जब आप लेग्स को ऊपर रखना है ना, उसका फ्रेम बैठेगा, पिन मारेगा, तो नीचे क्या करना है आपको, एक स्टील का कटिंग करके टेबल बनाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, नीचे
आपको चार स्टील मार के हमने उस पर बेस प्लेट जो है लेग्स का उसको रेस्ट किया है स्टूल के ऊपर। एक समझ लीजिए कि स्टील का स्टूल बनाना है आपको, टेबल बनाना है ताकि उसमें प्रॉपरली रेस्ट हो जाए। रेस्ट करने के बाद प्रॉपरली वो चारों साइड से आपको वेल्डिंग करना है। याद रखिए, वेल्डिंग नहीं करेंगे आपका लेग्स जगह पे नहीं रहेगा और आपका क्रेन यहाँ वहाँ हिल भी सकता है। तो बहुत ध्यान देना है जब भी आप लेग्स का फाउंडेशन कर रहे हैं, टावर क्रेन का फाउंडेशन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत हैवी चीज़ है, आप उसको किसी चीज़ से रोक नहीं सकते। तो कोई लापरवाही नहीं करना है फाउंडेशन के टाइम, पूरा कंसेंट से डिज़ाइन लेके उसके बाद काम करना है। अदरवाइज आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जो जैसे मैंने बताया वैसे भी आप उस अप्रूवल लेके, आप अपने से कुछ मत दीजिए, अप्रूवल लीजिए चीज़ों का, ताकि आपको हर चीज़ ऑलरेडी सब कुछ पता रहे कि क्या है और डिज़ाइन के हिसाब से आप काम करें। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपका प्रोसीजर, फुटिंग का स्टील हो गया, आपको कैसे बिठाना है लेग्स वो भी बता दिया। और जो मास्ट पिन रहेगा उसका, वो 40 mm का रहेगा, फिर उसके अंदर दो एक सेफ्टी पिन जाएगी, वो याद रखिए, वो मंगा के ले लेना है। 8 मास्ट पिन और 16 सेफ्टी पिन, ये आपको लेग्स के साथ ऑर्डर करना है ताकि आपका और ये फ्रेम जो आपके ऊपर लगा वो आपको ऑर्डर करना है ताकि आपका जो काम है फाउंडेशन ऑफ क्रेन का वो प्रॉपरली हो जाए। ओके, तो ये था अपना प्रोसीजर कि कैसे आपको लगाना है, जाली बांधना है, लेग्स बिठाना है, लेग्स का जो बेस है वो आपको स्टूल पे बिठाना है, एक स्टील का स्टूल बिठाना है, वेल्डिंग करना है प्रॉपरली, और जो पिन है आपका मास्ट पिन जो आपको दिख रहा है, मैं आपको जूम करके भी एक जगह दिखाया हुआ हूँ, उसके नीचे तक कास्टिंग करना है ताकि आपका जो क्रेन है वो क्रेन जब बैठेगा फ्रेम निकल जाएगा और लेग्स के ऊपर क्रेन बैठेगा, क्रेन का मास्ट बैठेगा जो 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर का मास्ट रहता है। ओके, अब ये समझ लीजिए कि यहाँ से अब ये सस्पेंस रहता है कि क्रेन ऊपर कैसे जाता है। तो क्रेन का जंपिंग किया जाता है, जंपिंग सीक्वेंस उसका बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मीटर से लेके 12 मीटर तक, मैक्सिमम 12 मीटर जंपिंग होता है, पावर पैक से जंपिंग होता है, हाइड्रोलिक पावर पैक रहता है और यूजेक रहता है उसका, यूजेक लगा के एक एक मास्ट तीन माला या चार माला, मैक्स टू मैक्स 4 माला, 4 फ्लोर आप कर सकते हैं, 9 मीटर से लेके 12 मीटर तक आप जंपिंग कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 30,000 से 35,000, 40,000 खर्चा आता है जंपिंग का, जितने माले की आपकी बिल्डिंग है वो हिसाब से खर्चा निकाल लीजिए। और जो मास्ट होता है वो 30 से 35 मीटर हाइट का रहता है और बूम आपको कैसे डिसाइड करना मैंने स्टार्ट में बता दिया है। तो ये क्रेन की पूरी समरी बता दिया मैं आपको कि क्रेन में क्या क्या लगता है, कैसे कैसे आपको क्रेन को बिठाना है, कैसे चीज़ों को समझना है। तो इससे क्या होगा, ये सिंगल वीडियो से आप पूरा क्रेन का काम करवा सकते हैं अपनी साइड के ऊपर, फाउंडेशन से लेके ऊपर तक का मैंने बता दिया है, मास्ट हो गया, उसके मोटर्स हो गए, बूम हो गया, केबिन हो गया, हाइड्रोलिक आइल। उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है, जो क्रेन आपके पास आया है वो सारे क्रेन के पास पूरा मटेरियल है कि नहीं है, ये भी चीज़ याद रखिए, कहीं आपका वायर रोप तो नहीं ख़राब हो गया है, कहीं उसका जो मास्ट भी नहीं, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो कहीं से अगर आ रहा है, नया आ रहा है तो कोई इशू नहीं, सब कुछ क्लियर रहेगा, बट जहाँ कहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं से नया पुराना लिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग पहले मटेरियल पे ध्यान देना है। जब आपका क्रेन का मैकेनिक आएगा, क्रेन की कंपनी जो रहती है सर्विस देने वाली, उनसे आप पूछिए क्या क्या कम पड़ रहा है, क्या नहीं, इंडेंट करके मंगा लीजिए ताकि आपका कोई भी काम रुके नहीं। बटाटा ग्रीसिंग है, ग्रीस जो लगाते हैं उसके अंदर, ओके, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, फिर हाइड्रोलिक ऑयल है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको क्रेन खड़ा करना, ये फाउंडेशन का प्रोसीजर था और बहुत सारी विसिलनेस नॉलेज भी आपको दे चुका हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, हाई रेंज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डाउट्स क्लियरेंस के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब्स रिलेटेड पोस्ट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि